अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो वो क्या हाल है, ठीक हो, सब खैरियत, फिटफाट, मज़े में ना। आज है जुमेरात और आज थी हमारी शिफ्ट थी 7:30 बजे और अभी काशी भाई निकल रहे हैं, तकरीबन 5:45 बज रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मतलब के टाइम गुजरता जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल अभी 6:45 हैं तो आज लाइट है, कुछ बेहतर है, नहीं तो वरना इस टाइम अंधेरा होता है ना। और मैंने ये भी सुना है कि इन समर मतलब विंटर के बाद एक टाइम आता है कि जब मगरिब जो है ना रात के 10 बजे होती है, लाइक सूरज गरूब जो होता है वो रात के 10 बजे होते हैं, यूकी की बात कर रहा हूँ। और सूरज तलू मतलब कि मॉर्निंग फजर सूरज निकलना और वो होता है 3 बजे, रात के 3 बजे, मतलब कि 6 घंटे की प्रोसेस, 6 घंटे की रात होती है, ये सारा निज़ाम होता है। अब इसका फर्दर क्या डिटेल है, क्या सीन है, ये मुझे नहीं पता, जो कि मैंने सुना है वो यही है। तो आज कैब पहनी भी, एक दो ठंड भी थी और दूसरा सर में दर्द था बहुत शदीद किस्म का, पता नहीं क्यों। हालांकि रात जल्दी सोया था, सैटरडे टाइम उठा तो सर में बहुत दर्द था, फिर नहाया हूँ उसके बाद क्योंकि काम पर जाना था, नहाने के बाद फिर कैब पहन ली और उसके बाद रोज़ा वगैरह रख कर फिर मैं 1 घंटा सो गया। मैंने कहा 1 घंटा है बड़ा, बस जस्ट अभी उठाऊँ और अभी जा रहे हैं स्टेशन, स्टेशन से फिर जाएँगे अपने काम पर। शिफ्ट पे पहुंच गया और अभी जो है 20 मिनट पहले पहुंचा हूँ, टाइम से पहुंच गया हूँ वैसे। और क्या कहते हैं, बस दुआ करो कि आज शिफ्ट जो है वो ज़्यादा घंटों की मिले। जब तक आप लोगों ने दुआ करनी है उस वक्त तक मेरा रिजल्ट भी आ जाना है कि मैं कितने घंटे की मुझे शिफ्ट मिली है। खैर अभी जस्ट पहुँचते हैं और ब्रेक में बता दूंगा कि आज मिलेगी या नहीं, तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने कहा था कि ब्रेक होगी तो मैं बताऊंगा आपको कि कितने घंटे की शिफ्ट मिलती है। ब्रेक या डायरेक्ट छुट्टी दे दी, स्टिल वही यार, इसे कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बाइस्ड हो रहे हैं क्योंकि मेरे फेलोज जो साथ काम कर रहे थे, लाइक वो इंडियन थे, उनको दोबारा जो है उन्होंने काम दिया, इवन के लास्ट टाइम भी 2-2 घंटे ज़्यादा थे। लेट्स सी बात करते हैं। अभी मेरी एक और मतलब कोलीग है, वो भी पाकिस्तान का ही है, वो नवंबर से कर रहा है मतलब इतने टाइम से, और वो फुल टाइम वाला हो, उसे भी बेचारे को इतने इतने घंटे मिल रहे हैं। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि यार ये 22 डी हो रहे हैं भाई, प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था कि मेजोरिटी उनकी है। तो खैर देखते हैं क्या बनता है, नहीं तो उसका यही है कि फिर और भी साथ साथ कोई ढूंढो, इससे अच्छी मेरे जहाँ कम से कम आपको घंटे तो पूरे मिले ना। हाँ बाकी भी सर्च कर रहे हैं तो अब NI पे दोबारा ढूंढनी पड़ेगी। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सिक्योरिटी का मतलब बैच बनवाने के लिए, बैच तो नहीं, सिक्योरिटी की क्लास ली थी और उसका अब तक रिज़ल्ट नहीं आया, 2 हफ्ते हो चुके हैं रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन उसे कॉल कर रहा था, वो कॉल भी नहीं था पिक कर रहा, लेकिन अभी जो है ना मैं उससे गुजर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना आज जाकर पता ही कर लूँ। तो अभी जाके पता करते हैं कि भाई क्या सीन है, क्योंकि वो टाइम हो चुका है, कम अज़ कम उसका तो आसरा हो ना, बाकी का तो पता नहीं, बस मुझे जगह मिल जाएगी कहाँ से किया था, वरना लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई मैं जो है वो अपने इंस्टीट्यूट जहाँ से क्लासेस ली थी वहाँ से हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा है कि भाई 3 मार्च को आपका लास्ट डे था यहाँ पर, और 5 मार्च को हमने पेपर सबमिट किए थे प्रोसेस करके सारा, और हमने कहा था कि 14 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाएगा, तो आप 5 से अब तक 14 वर्किंग डेज़ गिन लें। अब वर्किंग डेज़ तो बनते हैं कि मंडे से फ्राइडे, तो ये वर्किंग डेज होते हैं, तो कहता काउंट कर लो अगर बनते हैं तो बता दो। मैंने कहा ऑफकोर्स नहीं बनते, तो नहीं बनते, कम से कम 1 वीक आप कह लो, 14 दिन पूरे होने में 2-4 दिन और ऊपर लगा लो, मतलब कि अभी वीक 1-2 और है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग डेज से सबक के हर जगह पर यही होता, तो बस अभी वेट है। इतने दिन बाद आज मेरा जो है ना फिर वहीं से गुजर हो रहा है, जो मुझे
बहुत अच्छी लगती है जगह, आपको भी दिखाया था कई दफ़ा, लेकिन आज बड़ा मज़े का है, मतलब बहुत अच्छी वाइब्रेंस है क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा है ना। ये देखो कितने मज़े की लग रही है ना यार, ये डक बहुत सारी डक हैं इधर, वो देखो वो सामने, ये वो एंड तक, यहाँ कबूतर और डक बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा मैं पैदल आ रहा हूँ, आप लोग सोचे होंगे, क्योंकि मैं इल्फर्ड उतर गया था और जैसे कि मैंने क्लास का पता करना था, रिजल्ट का सॉरी, तलहा की कॉल आई थी तो कहते कुछ सामान, क्योंकि तलहा नहीं आना था उसे घंटा था, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रुक सकता, मैंने जाना रूम पर, तो बस फिर उसने सामान बताया, सामान ले लिया उसका, वो शाम को आएगा तो पिक करके ले जाएगा। सीन यही है कि अभी चल रहे हैं अपने रूम पर, और आज के व्लॉग में भी शॉर्ट हो तो आज के व्लॉग खत्म करते हैं यहाँ पर इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।